गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपका टॉपिक जो चल रहा है वो डेफिनेट इंटीग्रल्स है। इंटीग्रेशन जो एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़े थे, अब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में किया था वही मेथड यहाँ पर यूज़ होना है। सिर्फ आपके जो फिक्स वैल्यूज़ हैं एक्स की वो आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। जो भी वेरिएबल होगा उसकी फिक्स वैल्यूज़ आपने यहाँ पर एंड में लगानी है, उसी से ये इंटीग्रल जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा क्योंकि इसकी डेफिनेट वैल्यूज़ दी है। चलिए अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज़ करना है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को कैसे फाइंड करते हैं, तो लेट अस सी। इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 5 है, 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सोल्यूशन वी हैव आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हमें पता कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन साइन एक्स होती है, तो कॉस एक्स को पकड़ेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को नहीं, कॉस एक्स को। पुटिंग कॉस एक्स इजिकल टू टी इन इक्वेशन नंबर 1 इसमें डालना है। तो जिसको भी पुटिंग करते हैं उसको भी डिफरेंशिएशन करनी होती है। सो दिस शोज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इजिकल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ टी होता है डी टी बाई डी एक्स। अब साइन एक्स के साथ डी एक्स है तो ले जाओ डी एक्स को साइन एक्स के पास, तो साइन एक्स इंटू ये डी एक्स साइन एक्स के पास चला गया, और माइनस किसको दे दिया, डी टी को, माइनस डी टी। सो साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डी टी को दे दिया, माइनस डी टी, और साइन एक्स के पास क्या चला गया, डी एक्स। साइन एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू माइनस डी टी। चलिए अब यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज करने हैं। पहले लिमिट आपका जीरो था तो एक्स की वैल्यू जीरो थी। जब आपका एक्स जीरो अप्रोच टू जीरो, वन एक्स इजिकल टू जीरो, जब एक्स आपका जीरो था तो लगाइए यहाँ पर, सो टी इजिकल टू कॉस ऑफ एक्स के डाला आपने जीरो, टी इजिकल टू कॉस ऑफ जीरो, तो कॉस जीरो वन होता है। तो जब एक्स वैल्यू जीरो था तो टी की वैल्यू क्या आई, वन। अब जीरो के बदले वन आ गई। जब एक्स क्या था दूसरा, पाई बाई टू, तो टी क्या है, कॉस ऑफ पाई बाई टू, तो टी क्या होगा, कॉस ऑफ टी जो है टी की वैल्यू निकालनी अपने, क्योंकि एक्स के बदले आपने टी चुना है, तो टी इजिकल टू कॉस ऑफ एक्स क्या है आपका, पाई बाई टू। टी इजिकल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू होता कॉस नाइन्टी, कॉस नाइन्टी होता जीरो, तो टी हो गया जीरो। सो जीरो की जगह वन और पाई बाई टू की जगह जीरो। तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट इंटीग्रल जीरो की जगह क्या आ गया, वन, क्योंकि अब टी में आ गया क्वेश्चन, और पाई बाई टू की जगह क्या आया, जीरो, और साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या है, माइनस डी टी, और नीचे क्या है, वन प्लस कॉस एक्स क्या है, टी, ये कॉस स्क्वायर एक्स है तो बन जाएगा टी स्क्वायर, तो वन प्लस टी स्क्वायर। और आई इजिकल टू वन टू जीरो, लिमिट्स भी चेंज हो गए। लिमिट्स याद रखना, माइनस को बाहर निकाल दिया, ये बन गया वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। सो वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन है, टेन इनवर्स टी की। सो आई इजिकल टू माइनस टेन इनवर्स टी, ये वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो टेन इनवर्स टी है, और लिमिट्स क्या है, वन टू जीरो। तो लगाइए आई इजिकल टू टेन इनवर्स टी की वैल्यू पहले जीरो लगा दीजिए, माइनस टेन इनवर्स टी की वैल्यू वन लगा दीजिए। सो आई इजिकल टू माइनस टेन इनवर्स, ये जीरो जो है ये टेन जीरो जीरो, तो टेन का जीरो भी जीरो ही होता है, तो जीरो के बदले हमने लिख दिया टेन जीरो, माइनस टेन इनवर्स वन, टेन का फोर्टी फाइव वन होता है, तो टेन का पाई बाय फोर, सो टेन का पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर उसकी वैल्यू वन होती है, तो वन के बदले लिख दिया टेन का पाई बाय फोर। सो आई इजिकल टू माइनस बाहर था पहले ही, टेन टेन कैंसिल तो अंदर आ गया जीरो, माइनस टेन टेन कैंसिल तो अंदर आ गया माइनस माइनस पाई बाय फोर। अब ये आई इजिकल टू माइनस जीरो से टकराया तो माइनस जीरो, माइनस माइनस प्लस पाई बाय फोर, सो माइनस जीरो को छोड़ दो तो आई इजिकल टू पाई बाय फोर, दिस इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 विच इज अगेन अबाउटेड 0 टू 2 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वी हैव इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 डी एक्स अपॉन, अब ये जो क्वेश्चन है इसका स्पेशल ब्रेकअप करना है, ये है 17 अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको आपने स्पेशल स्टेप में याद रखना है, क्या है ये स्पेशल स्टेप, याद रखना आपने
जब आप इसको खोलोगे तो यही आएगा। तो चलिए आई इजिकल टू जीरो टू टू डी एक्स अपान 17 को अगर स्क्वायर करना हो तो रूट में रखो अन रूट 17 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करना हो तो 2 रखो नीचे, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। अब ये जो है ये a बन गया और ये हमारा x बन गया, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो स्पेशल फार्मूला वही यूज़ करना है यहाँ पर। सो यूजिंग स्पेशल फार्मूला इंटीग्रल ऑफ 1 अपान ये हमारा a बन गया ए स्क्वायर और ये बन गया हमारा x वाला जो है वो कैपिटल एक्स स्क्वायर बन गया। और किसके बराबर होता है 1 ओवर अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है 1 बाई 2 ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। सो वी गेट ए की वैल्यू क्या है हमारा, ए की जगह है अंडर रूट 17 बाई 2 और कैपिटल एक्स की जगह क्या है एक्स माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ पर लगाइए फ्रॉम फर्स्ट वी गेट आई इजिकल टू लिमिट वही रहेंगे 0 टू 2 और ये हो गया 1 ओवर ए की जगह है रूट 17 बाई 2 का स्क्वायर माइनस एक्स हो गया एक्स माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर इजिकल टू, अब यहाँ पर 1 बाई 2 इंटू ए, ए आपका क्या था रूट 17 बाई 2, 1 बाई 2 इंटू रूट 17 बाई 2 लॉग ऑफ ए क्या था रूट 17 बाई 2 प्लस एक्स आपका क्या था एक्स माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये आपका रूट 17 बाई 2 और माइनस एक्स क्या था आपका ऐसा आपका एक्स माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये 2 2 कैंसिल तो 1 बाई रूट 17 टू टू कैंसिल 1 बाई रूट 17 लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 17 बाई 2 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 17 बाई 2 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर और इसके लिमिट 0 और 2 लोगे तो इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 टू 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और आई इज इक्वल टू, तो इसका स्पेशल स्टेप क्या है, वी हैव आई इज इक्वल टू क्या दिया हमें माइनस 1 टू 1 लिमिट्स है हमारे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका स्पेशल स्टेप है 5 को ब्रेक करो 1 प्लस 4 में, ये इसका क्या है स्पेशल स्टेप। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस 1 टू 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x 5 को ब्रेक किया 1 प्लस 4 में और ये 1 इसको दे दिया तो फार्मूला बन गया, तो हो गया आई इजिकल टू लिमिट्स माइनस 1 टू 1 डी एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख दिया 2 स्क्वायर, तो ये बन गया स्पेशल फार्मूला। कंपेयरिंग इट विद स्पेशल फार्मूला कौन सा है इंटीग्रल ऑफ, ये बन गया आपका x प्लस a का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर है ये आपका ए स्क्वायर है, होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x अपॉन a। वी गेट अब x के बदले क्या हमारा x प्लस 1 और a के बदले क्या है 2 और इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इजिकल टू राइट साइड में क्या आएगा 1 अपॉन a और a कितना आपका 2 1 अपॉन a और ये आपका 2 है 1 बाई 2 आ गया tan इनवर्स x क्या है आपका x प्लस 1 नीचे a और a आपका क्या है 2 और इसके लिमिट्स क्या है माइनस 1 और 1। चलिए इनको आगे सॉल्व करते हैं विच इज इक्वल टू 1 बाई 2, पहले आपका लिमिट लगा 1, जब आपने लिमिट 1 लगाया tan इनवर्स 1 प्लस 1 तो 1 जब लगाया 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 अपॉन 2 हो गया 1 और 1 को हम लिखेंगे tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1 क्या होता है 0 अपॉन 2 तो हो गया 0, तो जो 0 है उसको tan 0 लिख दिया, तो जो 1 आया जब वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ 2 बाई 2 आ गया, 2 बाई 2 होता है 1, 1 को हमने लिख दिया tan इनवर्स सॉरी tan ऑफ पाई बाई 4 और 0 लिख दिया tan ऑफ 0, तो जैसे ही 1 को हमने tan पाई बाई 4 लिखा tan और tan इनवर्स कैंसिल तो 1 बाई 2 बाहर था इनटू इसका आ गया पाई बाई 4 tan इनवर्स और tan कैंसिल तो रह गया पाई बाई 4 और उसका tan tan कैंसिल तो रह गया 0 माइनस 0, सो 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 0, तो पहले 1 बाई 2 को पाई बाई 4 से करो ऊपर पाई है नीचे 1 बाई 2 है 2 इंटू 4 हो गया 8 हो गया पाई बाई 8 माइनस 0 होता है पाई बाई 8 वही आपका आंसर है, सो पाई बाई 8 इज़ योर आंसर, ये क्या आपका पाई बाई 8। तो चलिए
कल हम प्रॉपर्टीज ऑफ जो इंटीग्रल्स हैं इनको कंटिन्यू करेंगे, इनको स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे. या दिस आंसर इज़ पाई बाई 8.